कैसे हो आप? आई होप आप सब बड़े मज़े कर रहे होगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में टाइम को वेस्ट नहीं करना है हमें, और अपने ग्रामर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम किसी भी एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर लें। ठीक है, और वैसे भी अब गवर्नमेंट नए नए रूल्स ला रही है। अब हमारे SSC, बैंकिंग या फिर रेलवे के लिए एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव। चलो पहले से परिणाम जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चे इसे एडजेक्टिव बोलते हैं, या डी नहीं होता है, ये होता है एडजेक्टिव। यहाँ पर डी को हम लोग क्या करते हैं, साइलेंट रखते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आप भी क्या करना, डी को नहीं बोलना। और कैसे प्रोनाउंस करोगे इस वर्ड को, एडजेक्टिव। चलिए तो जानते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाई किसको करता है, हमारे नाउन या फिर प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करता है। ठीक है, हमारे नाउन या प्रोनाउन को ये क्या करता है, क्वालिफाई करता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कृष्णा इज अ गुड बॉय। चलो अब थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, इस गुड को क्या करते हैं हम थोड़ी देर के लिए गैप कर देते हैं। ठीक है, अब पढ़ो कृष्णा इज अ बॉय। ठीक है, तो इतना पता है कि कृष्णा क्या है, एक लड़का है। ठीक है, लेकिन क्या वो कैसा लड़का है पता है किसी को? बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कृष्णा इज अ गुड बॉय। अब मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, इज गुड को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब वो कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। तो कृष्णा क्या हो गया, एक अच्छा लड़का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गुड जो हो गया वो हमारा एडजेक्टिव हुआ। गुड क्या हमारा हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, चलिए अब यही बात होती है राधिका इज अ गर्ल। चलो मैंने क्लेवर को पढ़ी, यहाँ पर से मैंने क्या कर दिया, क्लेवर को रैप कर दिया। अब आप पढ़ो राधिका इज अ गर्ल, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, राधिका इज, अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्लेवर को डाल दिया। तो राधिका अब कैसी लड़की है, एक क्लेवर लड़की है। ठीक है, राधिका कैसी है, एक क्लेवर लड़की है। तो आप पता चल गया कि ये हमारा क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है। हमारा एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। चलिए तो हम देखते हैं अपने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो एडजेक्टिव हमारे कितने होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं हमारे 8, यानी कि एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इंटू 8 पार्ट्स। ठीक है, एडजेक्टिव कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, एडजेक्टिव हमारे 8 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब हम अपने सारे एडजेक्टिव्स को देखते हैं। पार्ट्स होते हैं एडजेक्टिव के, हमारे 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरा होता है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चौथा होता है हमारा सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव। और पांचवा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। छठा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी। और सातवां होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स को बोलते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि इस तरीके से 8 एडजेक्टिव होते हैं, जब आपको 9 भी देखने को मिलेगा। देखिए अब मैंने एक चीज़ बताना, मैं तो आपको बताना भूल ही गया कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है, जो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये जो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अलावा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम काफ़ी बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे पहचाने और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे पहचाने। तो इन सारी चीज़ों को भी हम डील करेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आप शुरुआत करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव से। स्टार्टिंग करते हैं, हमारा ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है उसको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव से इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है एन एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है। चलिए अब आप प्रॉपर नाउन होता क्या है, हमारा आप नाउन पढ़ चुके होंगे। नाउन यानी कि अगर मैंने किसी कह दिया, अब हम पहचानते हैं कैसे प्रॉपर नाउन को। तो प्रॉपर नाउन यानी किसी भी चीज़ को हम प्रॉपर किसी चीज़ का एक नाम दे देते हैं। जैसे मैंने कह दिया, अगर मैं कहें देश, तो देश तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया इंडिया, तो इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। मैंने कह दिया किसी राज्य के बारे में, कोई राज्य, कोई स्टेट, तो स्टेट तो कोई भी हो सकता है। लेकिन मैंने यही प्रॉपर कह दिया कि बिहार, तो बिहार एक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है हमारा, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये है हमारा इंडिया, तो इंडिया क्या हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया क्या हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर हमारा नाउन हो गया। ठीक
ठीक है, और इंडिया से ही बन गया इंडियन, क्या हो गया, इंडिया से ही बन गया हमारा इंडियन, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे इंडिया से क्या हमारा इंडियन बन गया, ठीक है, तो इंडिया हो गया प्रॉपर नाउन और इंडियन हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे जर्मनी, जर्मनी हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है, और ये हमारा जर्मन क्या हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लास्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हो, अफ्रीका यहाँ पर लिखा हुआ है, अफ्रीका, तो अफ्रीका क्या हो गया हमारा, अभी मैंने बताया क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा अफ्रीकन, यहाँ पे सॉरी यदि अफ्रीकन, तो अफ्रीकन क्या हो गया, अफ्रीका मैंने इसे मैंने क्या कर दिया, अफ्रीका को मैंने कर दिया अफ्रीकन, यानी कि ये प्रॉपर नाउन से बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, बहुत इजी है, आप आराम से समझोगे इसे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की, एडजेक्टिव को अच्छे से समझ लेते हैं, कुछ बातें होती हैं यानी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझना जरूरी है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, तो ये इन फैक्ट्स को आप जरूर ध्यान से देखना, इनके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको देखने ही देखने हैं, याद रखिएगा कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आपको देखने ही देखने हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या है, इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, जितने जितने फैक्ट है ये सारे क्या है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो हम एक एक करके इस पॉइंट्स को देखते हैं, तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट कहता है इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, यानी कि अपर केस, ठीक है, अपर केस या कैपिटल लेटर आपको पता होगा, ठीक है, तो हमेशा ये क्या होता है, स्टार्ट क्या चीज से होता है हमारे कैपिटल लेटर से, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया इंडियन, आई क्या हमारा कैपिटल, जर्मन, जी क्या हमारा कैपिटल, यानी कि हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है हमारा हमेशा कैपिटल लेटर से, ठीक है, यानी कि इसे कैपिटल लेटर बोलो या फिर किसे क्या बोल सकते हैं अपर केस बोलते हैं, ठीक है, तो अपर केस या फिर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, ग्रामर ऐसे पढ़ो कि आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जो हमारा है इट कैन ऑल्सो यूज एज नाउन, वी कैन मेक इट सिंगुलर और प्लुरल, ठीक है, कई बार हम लोग क्या करते हैं जब हमें इसे सिंगुलर और प्लुरल बनाना होता है तो हम इसे एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, सी इज एन इंडियन, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे एज ए इसे नाउन यूज किया, यहाँ पे इंडियन क्या हमारा ये एज ए नाउन यूज हुआ, ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे इंडियंस, तो यहाँ पे इसे प्लुरल या कि वी की बात है, वी यानी कि हम लोग, तो इसके लिए हमें क्या इंडियंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसे सिंगुलर या प्लुरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसे एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आप आगे अपने पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा, जनरली वी डू नॉट यूज आर्टिकल विथ इट, बट को हटा दीजिए, बट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो जनरली क्या होता है, हम लोग इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जनरली क्या होता है हम इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो ये तीन ही पॉइंट अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये सारे तीन पॉइंट आपको क्या करना है, कंटेस्ट होने चाहिए, ताकि आप ग्रामर को, आप कहीं भी जाओ, आपसे कोई छोटा या कोई भी आपसे पूछे कि एडजेक्टिव के बारे में, प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में कुछ बातें बताओ, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसके कुछ फैक्ट्स क्या क्या होते हैं ये आप जान लो, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नए एडजेक्टिव की ओर, ठीक है। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि आपको पता चल गया, डिस्ट्रीब्यूटिव जो बांटने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट यानी जैसे ईच, ईच, ईदर, एवरी, नीदर, ये सब क्या होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, एन एडजेक्टिव यूज टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए मैंने क्या बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि डिस्ट्रीब्यूट से ही पता चल रहा है कि आपको भी कहना क्या चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटने का काम कर रहा है, तो क्या करता है यूज टू रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन, क्या करता था हर पर्सन के बारे में बताता है, ईच और एवरी पर्सन यानी कि इधर, ईच,
एवरी नीदर, इसको आप आइदर भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नाइदर भी कहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ETC। ये सब क्या होते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप एग्जाम्पल से भी इसे समझ सकते हो। सी वॉचेस टीवी एवरी डे, सी वॉचेस टीवी एवरी डे। ईच पर्सन यानी कि ईच क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट फॉर मी, ईच क्वेश्चन यानी कि हर क्वेश्चन यानी हर चीज़ को बांटें, यानी कि हर जगह पे क्या है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में बात होता है। ठीक है, एक फैक्ट है वो, जब जान लो कि इट कम्स बिफोर द नाउन फॉर विच इट इज यूज, ये उस नाउन के पहले आता है जिसके लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, इट कम्स बिफोर द नाउन। नाइदर स्टूडेंट इज गुड, यानी कोई भी स्टूडेंट क्या है, अच्छे नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब ये आपके समझ में आ गया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे लिए, वो आप देख लो। ये इतना इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने आपको पहले बता दिया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसको पहचाने का तरीका भी बहुत ही ईजी है और आप अपने ईजी से समझोगे इसे। ठीक है, चलिए तो पॉइंट नंबर वन, इसको नोट भी करना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप नोट नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे इसे। इफ नाउन कम्स इमीडिएट आफ्टर ईच और एवरी, ठीक है, इफ नाउन कम्स, याद रखिएगा, इफ नाउन कम्स इमीडिएट आफ्टर ईच एवरी ETC देन वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देन वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यहां पे देखिए आपको एग्जाम्पल में दिया भी हुआ, यहां पे एग्जाम्पल आप देख लो। ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हमारा एक नाउन है, और इसके जस्ट पहले क्या लगा हुआ है, हमारा ईच लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। चलिए जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो भी आप देख लो। बट इफ अनदर वर्ड कम्स आफ्टर इट, यानी कि ईच एवरी ETC के बाद कोई और वर्ड आता है, देन वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो हम इसे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे ईच ऑफ देम, यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं है नाउन या प्रोनाउन के बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हो ईच के बाद ऑफ के बाद देम। ठीक है, तो यहाँ पे ईच क्या हो गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ईच के बाद क्या हो गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज और दिखा हुआ है, ईच एवरी ईदर नीदर, उसके बाद क्या होता है हमारा, इन सब के बाद हमारा किसका यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अलावा हमारा सिंगुलर वर्ब का भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और साथ में सिंगुलर वर्ब का भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखते हो ईच बुआ, अब यहाँ पे हम लोग ईच, सॉरी आप लोग ईच, एक सेकंड प्लीज, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ईच बॉयज नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे गेट्स, यहाँ पे गेट नहीं करेंगे। ठीक है, गेट, चलिए यहाँ पे जैसे नीदर बुक यहाँ पे लिखा हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नीदर बुक जो लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ पे इसे हम लोग बुक्स नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ये रूल है और इंपॉर्टेंट रूल है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, तो आप इसे इस रूल को लिख लो, नोट डाउन कर लो कि ईच एवरी ईदर नीदर के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है और साथ ही सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है। ये आप कंठस्थ इसे कर लो और याद कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये VBI रूल में मैं जितने भी रूल बताता हूँ ये सारे VBI हमारे होते हैं। ठीक है ना, तो आप इसे जरूर याद कर लो, ये हमारे VBI हैं, इसलिए से आप VBI ही समझ के याद करना। ठीक है, याद करना नहीं है, बस समझने की कोशिश करना। अगर आपके एग्जाम में अगर ये लिखा हो ईच बॉयज अगर लिखा हो तो आप इसे क्या कर दोगे, यहाँ से कट कर दोगे, ये गलत हो जाएगा। अगर ईच बॉय यहाँ पे अगर लिखा हो आर तो भी ये
गलत है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। ठीक है, चलिए आई होप ये आपके समझ में होगा, तो आप इसको यहाँ पे समझ के देख लगते हो। चलिए यहाँ पे गेट्स जो है ये हमारा सिंगुलर है, याद रखिएगा हमेशा। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को सिंगुलर और प्लुरल नाउन और वर्ब पहचाने में प्रॉब्लम होता है, ये पता नहीं क्यों होता है, ये बहुत ईजी है। चलो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। अगर किसी भी नाउन में, याद रखिएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर किसी भी सॉरी नाउन में हम लोग एस या फिर ई एस को ऐड करते हैं तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है। क्या होता है हमारा प्लूरल, जैसे मैंने पेन, पेन क्या है हमारा नाउन है, मैंने इसमें क्या कर दिया, ये सिंगुलर है अभी, ठीक है, अब मैंने इसे एस लगा दिया, क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। बुक, बुक हमारा नाउन है, इसमें मैंने क्या कर दिया एस जोड़ दिया, क्या हो गया ये प्लूरल हो जाएगा। तो बिना एस या ई एस के क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है, और एस या ई एस ऐड करने के बाद ये प्लूरल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही बात उल्टी हो जाती है हमारे कहाँ पे, वर्ब के साथ, यही बात क्या होती थी उल्टी हो जाती है हमारे वर्ब के साथ, ठीक है। देखिए कैसे उल्टी हो जाती है, अब हम वर्ब में, अगर किसी भी वर्ब में क्या करते हैं हम लोग एस या ई एस को ऐड करते हैं, किसी भी वर्ब में हम लोग क्या करते हैं एस या ई एस को ऐड करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है सिंगुलर। जैसे हमारा इट जो है हमारा, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा अभी प्लुरल है, और इसमें हम लोग एस या ई एस को ऐड कर देते हैं तो ये क्या होता है हमारा सिंगुलर हो जाता है। रन हमारा क्या है प्लुरल है, इसमें एस कर देंगे तो ऐड क्या हो जाएगा रन्स, यानी कि हमारा ये सिंगुलर, सॉरी हाँ ये अब ये अभी प्लुरल है और इसमें एस या ई एस को ऐड करके क्या कर देंगे हम लोग इसे सिंगुलर बना देंगे, ये प्लुरल है और ये से एस लगा दी तो ये सिंगुलर हो जाएगा। गेट सिंगुलर, गेट्स सॉरी गेट प्लुरल, गेट्स सिंगुलर, ठीक है। सिंह हमारा सिंगुलर, एस लगा दिया सिंह हमारा, सॉरी सिंह हमारा प्लुरल और एस लगा दिया तो ये हमारा क्या हो गया सिंगुलर हो गया। तो सिंपल सी बात क्या है कि वर्ब में एस या ई एस बिकम्स सिंगुलर और नाउन में एस या ई एस बिकम्स प्लुरल, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख लेना, एक इट का एग्जाम्पल ले लेना, वर्ब है, इसे मैंने क्या कर दिया एस जोड़ दिया, बिकम्स इट्स हो गया तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। पेन का एग्जाम्पल लिख लेना, पेन को मैंने क्या कर दिया, इसमें एस जोड़ दिया, ये हमारा पेन सिंगुलर था, एस जोड़ दिया तो वो हमारा प्लूरल हो गया, ठीक है। चलिए आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप हमें ज़रूर मेल करें या फिर मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, आप कमेंट बॉक्स में जाके भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं इसके आप नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड गुड लक। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो सके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक एंड हैव अ ग्रेट डे।